हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में। व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं उन्हें ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट भी बोला जाता है। अब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर सडनली होने वाले जो एक्सीडेंट हैं उनसे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, उस प्रोसीजर मतलब उस प्लांट के अंदर कोई भी हार्म होता है उसे हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर वर्क चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से होने वाला एक्सीडेंट अगर हो गया है, किसी मशीन से एक्सीडेंट हो गया, केमिकल ब्लास्ट हो गया, या कोई भी ऐसा रीज़न हो रहा है जिसकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय को ऑक्यूपेशनल टाइम पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हार्म हो रहा हो, ठीक है, या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो रहा हो तो उसको हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसके रीजंस क्या होते हैं बेसिकली, देखिए जब भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को देखा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, रिस्क ऑब्जर्वेशन किया जाता है, रिस्क एनालिसिस किया जाता है, तो वो ये सब यही ज़्यादातर ये आता है देखने को कि जो भी वर्कर्स हैं वो केयरलेसनेस से वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई तो होता है कि उनका ध्यान ही कहीं और था उस समय पे तो एक्सीडेंट हो गया, एक होता है कि वो इतना काम कर लिया कि उन्हें फटीक हो गया, ठीक है, उनको वीकनेस हो रही है, उनको चक्कर आ रहा है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, तो इस तरीके का फटीक जो है वो उनको हो गया है जिसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स सामने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की। तो देखिए, लिफ्टिंग, जब भी किसी सामान को उठा रहे हैं, किसी भी मशीन को उठा रहे हैं या किसी मशीनरी से उठा रहे हैं या फिर किसी मैन पावर के साथ उसे उठा रहे हैं, तो जब भी हम सामान को लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसका लिफ्टिंग हैंडलिंग क्या है, उसका पोजीशन क्या लेनी है, क्या आपको पोस्चर लेना है, किस तरीके से वेट लिफ्ट करना है, कितने से कितना वेट आप उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखना होता है इसमें। ठीक है, फटीक यहाँ वही है जो आपको कॉमन कॉजेज़ हो जाते हैं, आप फीलिंग इल करने लगते हैं, मतलब आप बीमार जैसा फील करने लगते हैं, आपको वीकनेस हो रही होती है अंदर से, तब भी आप वर्क कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्सीडेंट सामने आते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और आप वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इस समय पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कभी हमेशा आपको हाइड्रेट रहना है, वाटर जो है वो बिल्कुल पीते रहना है, वाटर क्वांटिटी कम नहीं करनी है, इससे कि क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट्स का एक रीज़न ये भी माना गया है कि पुअर लाइटनिंग, जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, लेक ऑफ लाइटनिंग की वजह से भी एक्सीडेंट सामने आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हजार्डियस मटेरियल। ठीक है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस मटेरियल एक सबसे बड़ा कारण है, मतलब आप कोई भी खतरनाक मटेरियल है और उसको आप ठीक से नहीं मैनेज कर रहे हैं, उसको ले जाना कैसे, लाना कैसे, कैसे यूज़ में लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कहाँ प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें जब आप नहीं चेक करते हैं तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जब भी हजार्डियस मटेरियल के साथ आप वर्क कर रहे हो तो उसे कैसे टैकल करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर आपने PPEs नहीं वेयर करी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहने हुए हैं, तो भी ये जो एक्सीडेंट है ये हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ है। ठीक है, तो जितने आप अवेयर रहेंगे खुद की सेफ्टी को लेके, उतना ही ज़्यादा आपको इस तरीके के एक्सीडेंट से सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उतने ही ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे। तो सेफ़ रहने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं करनी है, तो आप क्यों ना PPEs वेयर करें और जो भी वर्क आप कर रहे हैं एटलीस्ट उसको केयरफुली करें, है ना। तो केयरफुली अगर आप किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम से कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो PPEs वेयर ज़रूर करनी है हमें, कोई भी काम हम वर्क प्लेस पे कर रहे हैं अपने, और हमें कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स को एलिमिनेट करना है अपने वर्क प्लेस से। अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको देखना है कि क्या पहले वाला जो एक्सीडेंट हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, और उस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है,
मतलब उस चीज़ को हटा देना है। अब ये सारी चीज़ें कैसे हों, आप तो एक वर्कर हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हजार्डियस मटेरियल था, ये पुअर लाइटनिंग या थी, ये मतलब ये सारी चीज़ें आप कैसे जानेंगे? तो इसके लिए जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जो वीकली ट्रेनिंग होती है, उन सब में आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, आपको ट्रेंड किया जाता है कि क्या हैजार्डियस मटेरियल है, कैसे मटेरियल हैंडलिंग करनी है, कैसे आपको खुद से फिट रहना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे केयरफुल रहना है, किसी डेंजरस जगह पर जाने से पहले आपको क्या क्या कॉशंस जो लगे हुए हैं उनको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस ये सारी चीज़ें कब कंप्लीट होती हैं, जब आप अपनी ट्रेनिंग रेगुलरली ले रहे हैं, जो भी आपकी वीकली ट्रेनिंग है वो रेगुलरली अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी आपकी कंप्लीट हो जाती है और आपको नॉलेज हो जाती है कि किस तरीके से आप वर्क करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है और किस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। जो भी हजार्डियस मटेरियल है उसको कैसे हैंडलिंग करनी है, इन सब के बारे में भी आपको यहीं से पता लगेगा। देखिए वही यहाँ बता रहा है प्रिवेंशंस में कि अवेयर करना है वर्कर्स को कि आपको कैसे फ्रेश रहना है, कैसे वाटर, फ्रेश वाटर सप्लाई कैसे आप तक पहुँचेगी, और पानी का भी ध्यान रखना है, फ्रेश वाटर ही यूज़ करें। लिफ्टिंग मशीनरीज जो भी है तो आपको कैसे लिफ्ट अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो किस तरीके से उसको उठाना है, ठीक है। प्रॉपर लाइटनिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रखनी है, ठीक है। प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स भी आपको चेक करने हैं, वर्किंग कंडीशन क्या है, हजार्डियस मटेरियल क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग आपको प्रॉपरली लेनी है, आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस कैसे रिलीज करना है, ठीक है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना है वर्कर्स को वर्क प्लेस पे, और सारी बातें जो भी आपकी पॉलिसीज़ में लिखी गई हैं, जो भी आपको काम करना है उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सुपरविजन के अंदर आप रहें और उसी तरीके से वर्क करें जो आपको सुपरवाइज किया गया है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्किंग पे ध्यान रखना है, आपको छोटी से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स को ध्यान में रखना है कि पहला एक्सीडेंट किस कारण से हुआ था, और आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। आपको जहाँ तक है आप खुद को सेफ रखो, हर कोई अगर अपनी सेफ्टी देखेगा ना तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स फेस ही नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो रहते हैं वो यही रहते हैं कि आपके वर्क प्लेस पर होने वाले जो एक्सीडेंट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसका प्रिवेंशंस ले सकते हैं और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो आज ये मैंने आपको वेरियस मेथड्स और एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में बताया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में बताया कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं। सो थैंक यू।